हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी फोन है, जैसे कि मेरे पास एक फोन है, देख रहे हैं आप, और इस फोन में जैसे कि नीचे एक कोड दिया जाता है, उस कोड के माध्यम से आप अपने ईयरफोन को लगाकर और गाना सुनते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आप वायरलेस ईयरफोन को अगर कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ के माध्यम से, और उससे अगर कनेक्ट करते हैं तो कोई एक ही में साउंड जाता है। जैसे कि आपको जो वायर वाला होता है जिसमें कनेक्ट होता है कोड के माध्यम से, उसी में साउंड जाता है, लेकिन जो ईयरफोन होता है वायरलेस वाला, उसमें साउंड नहीं जाता है। लेकिन मैं दोस्तों एक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप दोनों में साउंड सुन सकते हैं। जैसे कि जो आप ईयरफोन होंगे वायरलेस ईयरफोन, वो कोई और भी कनेक्ट कर अलग भी जा सकता है, वो गाना आप जो सुन रहे हैं सेम गाना वो भी सुनेगा। और आप अपना ईयरफोन लगा लीजिए, जो वायर वाला ईयरफोन होता है जो कॉर्ड के माध्यम से लगता है, उस कॉर्ड में लगाकर आप भी सुन सकते हैं और वायरलेस वाले के माध्यम से कोई दूसरा भी सुन सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग ट्राई कर रहे होंगे तो आप लोग से नहीं हो रहा होगा। लेकिन तो इस वीडियो के बाद मैं जो तरीका बताऊंगा, उस तरीके के बाद आपको जो मैं बताया हूँ वो काम करना शुरू हो जाएगा और आप जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपना जो वायरलेस है इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अपने वायरलेस को अपने फोन से, और फोन से देखिए यहाँ पे जो ब्लूटूथ इसका स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका जो होता है उसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग ले रहा है, कनेक्टिंग कनेक्ट हो चुका है, ठीक। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप शो भी हो रहा है ब्लूटूथ के सामने, इसका जो बैटरी बैकअप होता है वो भी शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं आप क्या करूंगा वो आप देखते रहिए। इसको तो अभी कनेक्ट है, तो इसमें अगर कोई भी गाना बजाएंगे तो ये बजने लगेगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ, ये वायर देखिए, ये वायर ईयरफोन है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसके कोड के माध्यम से, ठीक। इसको कोड के माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इसमें। लेकिन अब जो कनेक्ट हो गया है, तो अगर हम गाना बजाते हैं तो गाना इसमें नहीं बजेगा, ये कनेक्ट है। अभी भी देखिए यहाँ पे ये कनेक्ट है, अभी कनेक्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे अभी ये कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन गाना अभी इसमें नहीं बजेगा। अगर आप चाहें तो इसमें इस जो वायरलेस ईयरफोन है इसमें गाना नहीं बजेगा और गाना इसमें बजेगा। लेकिन मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ, आप इसमें भी गाना बजेगा और जो वायरलेस है ये इसमें भी गाना बजेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे इसको कनेक्ट रहने दीजिए, उसके बाद इसको बैक आइए। बैक आने के बाद आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपके फोन में अगर सेटिंग आपको पता है जो सेटिंग कहाँ है, तो सेटिंग में जाइए, नहीं तो मैं सर्च कर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, डुअल करके एक ऑप्शन होगा, डुअल एडियो करके, आप अपने यहीं पे सर्च कर लीजिए, क्योंकि आपको खोजने में परेशानी हो सकता है। तो आप यहाँ पे डुअल करके एक ऑप्शन होगा उसको यानी खोज लीजिए। वो यहाँ पे देखिए डुअल मोड ऑडियो है, ठीक। तो इस पर जाइएगा, इस पर जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए डुअल मोड ऑडियो है, ठीक। डुअल मोड ऑडियो अगर इसको इस पर जाते हैं, इस पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है UX700, ये है वायरलेस ईयरफोन है, इसका जैसे परमिशन है। अगर इसको अगर हम क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, तो अगर आप जो गाना बजेगा इसमें वायरलेस है उसमें भी गाना बजेगा, और नीचे है वायर्ड ईयरफोन इसमें भी गाना बजेगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, तो बस अभी ये जो वायर ईयरफोन है सिर्फ इसी में गाना बजेगा और इसमें गाना नहीं बजेगा, ठीक। लेकिन अगर इसको हम चालू कर देते हैं तो दोनों चालू हो गया, तो अब दोनों चालू है, तो अब ये दोनों में गाना बजेगा। तो दोनों के माध्यम से आप गाना को सुन सकते हैं, चाहे तो जो ये वायरलेस ईयरफोन आप किसी को देकर आप इससे गाना उसको सुनने के लिए दे सकते हैं, और आप है सो वायर ईयरफोन है इसको आप लगाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो तरीका है मैं आपको पूरा यानी जो फुल अपने जो पहले हम यूज़ कर लिए हैं, मुझे जब पता चल गया उसके बाद मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए आप यहाँ पे कुछ ये नहीं सोचिएगा कि कुछ मैं गलत बता रहा हूँ। आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल रियल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हमेशा आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आप पूरा वीडियो देखे हैं, उस वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ये वीडियो है, आप जब तक अगर डेवलपर मोड अगर ओपन नहीं करते हैं तब तक ये आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप डेवलपर मोड को ओपन कीजिए। तो कैसे करना है, तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इससे पहले मैं डेवलपर मोड ऑन करने का भी सेटिंग बता चुका हूँ, तो जाकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको डेवलपर मोड से रिलेटेड अगर पूरा फुल डिटेल चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड लगभग 15 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा, मैं उसको बनाकर आपको बता दूंगा। अगर चाहिए तो बताइएगा, और नहीं तो अगर ये सेटिंग जो आप वीडियो में देखे हैं उसको पूरा करने के लिए आपको डेवलपर मोड को ऑन करना पड़ेगा। कैसे करना है वो वीडियो जाकर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बताना चाहता था मैं बता दिया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही।